2 साल पहले चुनाव हुए थे चंडीगढ़ के म्यूनिसिपैलिटी के। उसके आंकड़े ये हैं कि 13 हमारे काउंसलर हैं, 7 कांग्रेस के हैं, 15 इनके हैं और एक अकाली दल का है जो इनके साथ है, तो 16 इनके हैं। 13 हमारे, 7 कांग्रेस के और 16 इनके, टोटल 36 हैं। अभी तक कांग्रेस और हम अलग अलग लड़ते थे, तो 2 साल से जाहिर तौर पे 16 इनके थे, 13 हमारे थे, 7 कांग्रेस के, तो 2 साल से इन्हीं का मेयर और इन्हीं का डिप्टी मेयर बन रहा था। स्ट्रेट कैलकुलेशंस एंड स्ट्रेट, इस बार इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गई, तो स्ट्रेट इलेक्शन था, 20 हमारे थे, 16 उनके थे। इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं थी, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं था, लेकिन शुरू से इनकी नीयत खराब थी, शुरू से इनकी नीयत खराब थी। जब से चुनाव ऐलान हुए, सबसे पहले तो इन लोगों ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता को, अपनी पार्टी के एक ऑफिस बेरर को, पदाधिकारी को इन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर घोषित कर दिया। उसके बाद जब चुनाव की तारीख तय हुई, 18 जनवरी को चुनाव था, अचानक 18 जनवरी को इनका पदाधिकारी जो था, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये बीमार बोला, मैं बीमार हो गया, अस्पताल में चला गया, और चुनाव इनडेफिनेटली टाल दिए गए। हम कोर्ट गए और कोर्ट से हम लोग तारीख तय करवा के लाए। इस दौरान इन्होंने हमारे और कांग्रेस के काउंसलर्स को खरीदने की, डराने की, धमकाने की बहुत कोशिश की, जैसे कि पूरे देश भर में करते ही हैं, इनकी फितरत है, हर जगह करते हैं, लेकिन किस्मत से एक भी नहीं टूटा। और आज चुनाव हुए, चुनाव होने थे, चुनाव हुए। कोर्ट के डायरेक्शंस के बावजूद इन लोगों ने जो बदमाशी की, हम सब देखते हैं कि चुनाव तो हुआ आज, लेकिन जब चुनाव की वोटों की गिनती होती है, चाहे राज्य स्तर का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, गिनती के वक्त हर पार्टी का एजेंट वहां बैठा होता है, ट्रांसपेरेंट तरीके से गिनती होती है, सबके सामने वोटों को ऐड वो किया किया जाता है, वोट मशीन खोली जाती है, मशीन का नंबर बताया जाता है, दिखाया जाता है, उसके बाद वोट जब उसको टोटल किया जाता है, मशीन का दिखाया जाता है भाई किस पार्टी को कितने वोट मिले, सब कुछ दिखाया जाता है, और सारी पार्टियों के एजेंट बकायदा अच्छे से देखते हैं। यहां भी प्रोसीजर ये था, कानून में ये था कि हर पार्टी का एजेंट वहां बैठेगा, और पार्टी का एजेंट को, जैसे दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव हुए, एमसीडी के मेयर का चुनाव हुआ, वो भी बैलेट पेपर से होता है, तो वो सारे एजेंट बैठते हैं, एक एक वोट बकायदा सभी एजेंट्स को दिखाए जाते हैं। अगर किसी एजेंट को कोई आपत्ति करनी हो, भाई ये वोट इनवैलिड है, तो वो सबको दिखाया जाता है। अगर कोई एजेंट कहता है ये वोट इनवैलिड है, सबको दिखाया जाता है, सब उस पर अपने अपने तर्क देते हैं, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी उस पर रूलिंग देता है, एक तरह से क्वासी ज्यूडिशियल वो करता है कि उस पर रूलिंग देता है। इन महाशय ने, जो इनके पदाधिकारी बीजेपी के आदमी थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, इन्होंने आज किसी एजेंट को अपने पास नहीं आने दिया, इन्होंने सारे एजेंट्स को दूर धकेल दिया और खुद ही सारी वोट लेके बैठ गए, और बकायदा कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वोट, जो हमारे वोट थे उनके ऊपर वो टिक मार्क करके उसको इनवैलिड, मतलब 2 टिक मार्क लग गए तो ये वोट इनवैलिड हो जाएगा, वो टिक मार्क करके इनवैलिड करते जा रहे हैं, और फिर नीचे साइन कर रहे हैं, कुछ वोट पे मात्र साइन कर रहे हैं और कुछ वोट पे एक टिक मार्क और लगा रहे हैं, वो साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो 36 वोट पड़ने थे, 36 में 16 इनके थे, 20 हमारे थे, 16 इनके पड़ गए, 16 इनके पक्ष में पड़े, 20 में से 8 वोट जो हमारे थे वो 8 वोट इन्होंने कैंसिल कर दिए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। यानी कि 36 में से 8 वोट, मतलब 25% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। ये कौन सा चुनाव हुआ? पिछले साल जब चुनाव हुए थे तो हमारा एक वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुआ था, तो ऐसा तो नहीं कि हमारे वालों को वोट डालना नहीं आता, वोट तो डालना आता है, पिछली बार भी डाला था, इस बार भी डाला है। इस बार कैसे ऐसा हो गया कि सारे वोट डालना भूल गए हमारे वाले, सारे वोट इनवैलिड हो गए?
तो पहले से सोच के आए थे कि इनको गुंडागर्दी मचानी है। किस्मत अच्छी थी कि कैमरे के अंदर सब कुछ पकड़ा गया।